दोस्तों आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे पीएचडी के नई गाइडलाइंस क्या जारी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा पीएचडी रेगुलेशन 2022 जारी हुए हैं। इससे पहले यूजीसी द्वारा रेगुलेशन 2009 जारी हुए थे, इसके बाद 2016 रेगुलेशन जारी हुए थे, 2016 के बाद रेगुलेशन 2018 जारी हुए थे। अब एक बार फिर से कुछ बदलाव किया गया है पीएचडी के रूल्स और रेगुलेशंस में, तो इन रेगुलेशंस को जाना जाएगा रेगुलेशन 2022, जो कि यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नवंबर के महीने में रेगुलेशन 2022 जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल से मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन के लिए, कितना ड्यूरेशन रहने वाला है, एमफिल वालों को कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वुमेन कैंडिडेट्स को क्या स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है एडमिशन के लिए। सबसे पहले या तो 1 ईयर का या 2 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री हो आपके पास, जब आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 ईयर्स की कंप्लीट कर लें। मीन्स जैसे ही आपने प्लस टू किया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री की, उसके बाद यहाँ पे 1 ईयर या तो आप मास्टर डिग्री 1 ईयर वाली करें या 2 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री। इट मीन्स जिसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है MA, MSc, इस प्रकार से मास्टर डिग्री, एटलीस्ट 55% मार्क्स की आपको मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी रिलैक्सेशन को छोड़ के। रिलैक्सेशन से मीनिंग है यदि आप BC के कैंडिडेट हैं, SC के कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं या डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया 5% का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एडमिशन के लिए किस प्रकार का नेक्स्ट क्राइटेरिया है, आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट 2 साल की हो या फिर 4 सेमेस्टर वाली हो। जैसे ईयर सिस्टम होता है, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी ईयर सिस्टम में मास्टर डिग्री कंप्लीट करवाती हैं, बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेमेस्टर सिस्टम जिनमें लागू है, तो मास्टर डिग्री एटलीस्ट आपके पास हो या तो 4 सेमेस्टर वाली या 2 साल वाली। इसके अलावा कौन कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है पीएचडी में, जिसने 4 साल की बैचलर डिग्री या फिर 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री की हो जिसमें उसका रिसर्च भी हो और मिनिमम जो उसका CGPA है वो 7.5 out of 10 हो। ये ध्यान रखें दोस्तों, मिनिमम जो CGPA है 7.5 out of 10 हो। तो ये है मेनली एडमिशन का क्राइटेरिया कि कौन कैंडिडेट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एक प्रकार से हम समझे तो 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, जो डायरेक्टली जो बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो विद्यार्थी भी ले सकते हैं, जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो विद्यार्थी भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसका एक प्रॉपरली क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एमफिल वाले विद्यार्थी किस प्रकार से ले सकते हैं। एमफिल का जिन्होंने कोर्स वर्क क्लियर किया है 55% मार्क्स के साथ में, 55% जिनके मार्क्स हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, जिनके एमफिल का कोर्स वर्क का। रिलैक्सेशन जैसा मैंने आपको बताया 5% का मिलेगा, इट मींस 55 से वो 50% होगा। और वो किन के लिए होगा, SC के लिए होगा, ST के लिए होगा, OBC कैंडिडेट्स के लिए होगा, डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगा, EWS कैंडिडेट्स के लिए होगा और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। मास्टर डिग्री जो हो, जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये मेनली एक प्रॉपरली क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की कि कितने टाइम की आपकी मिनिमम पीएचडी, मिनिमम समय में पीएचडी कर सकते हो, तो उसके लिए मिनिमम ड्यूरेशन है 2 साल, जिसमें जो कोर्स वर्क है वो एक अलग से है। कोर्स वर्क मीन्स आपके पास वो 6 मंथ का, तो यहाँ पे 2.5 साल में आप अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको पीरियड मिलेगा 6 ईयर्स का, जो 6 ईयर तक कंप्लीट पीएचडी नहीं करने पाएंगे उनकी पीएचडी फिर कैंसिल मानी जाएगी। जो वुमेन कैंडिडेट हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको रिलैक्सेशन है अलग से 2 साल का, तो वो 8 साल में भी अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, एडमिशन का प्रोसीजर किसी भी संस्थान में आप लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अपना लेते हैं पीएचडी के
कोर्स में, तो वहाँ पे आपको 60% जो सीटें हैं वो तो फिल होंगी नेट या जेआरएफ से, और 40% जो सीटें हैं वो यूनिवर्सिटी एक सेल्फली टेस्ट लेगी। वो टेस्ट लेगी, उसमें टेस्ट का भी एक क्राइटेरिया है प्रॉपरली, जिसमें रिसर्च आएगा, एनालिटिकल होगा, जिसमें कंप्रीहेंशंस रहेंगे, क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब पूरी कंप्लीटली रहेंगे उस टेस्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटी एक खुद से सेल्फली टेस्ट लेगी। इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में वहाँ पे किस प्रकार से टोटल जब मेरिट बनेगी तो काउंटिंग कैसे होगी, टेस्ट का 70% और इंटरव्यू का 30%, ये प्रॉपरली क्राइटेरिया रहने वाला है पीएचडी में प्रॉपर एडमिशन लेने के लिए। अब बात आती है सुपरवाइजर्स की। बहुत से कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि जो सुपरवाइज़र है, आपका जो सुपरवाइज़र रहेगा, इट मींस जो गाइड है, वो कौन हो सकता है? वो यूनिवर्सिटी का कोई भी रेगुलर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। जो भी जिस कंसर्न यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करेंगे, तो इट मींस आउटसाइड यूनिवर्सिटी से आउटसाइड कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर आपकी पीएचडी का सुपरवाइजर नहीं हो सकता, इट मींस गाइड। तो गाइड के लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि वो एक रेगुलर प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी का, एसोसिएट रेगुलर प्रोफेसर हो या रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर हो। यदि वहाँ पर रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो रिटायर्ड कैंडिडेट के अंडर भी आप अपना जो सुपरविजन है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिटायर्ड जो टीचर हैं, वो रिटायर्ड जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो वापस रीज्वाइन हुआ हो, और रीज्वाइन भी चाहे वो आवरली बेसिज हो या एडहॉक बेसिज हो, जैसे भी उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस ने उनको ज्वाइन करवाया हो, तो वो भी आसानी से आपके गाइड बन सकते हैं, मैक्सिमम 70 ईयर्स तक, उनकी उम्र 70 साल तक हो। इसके अलावा यहाँ पे एक अलग से जो रिलैक्सेशन दिया गया है 0.5% का CGPA स्कोर में, इट मींस 10 में से 7, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो 0.5 का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। वो 0.5 का जो रिलैक्सेशन है वो एक अलग से रिलैक्सेशन है। इसके अलावा वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव 240 दिन की, पूरे कोर्स वर्क के दौरान 240 दिन की मैटरनिटी लीव आप लोग अलाउ करवा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि जिनका नेट या JRF क्लियर होगा वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे, जिनका नेट JRF क्लियर नहीं होगा और वो PhD के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। उस एंट्रेंस टेस्ट में आपके पास रिसर्च के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन आएंगे। क्वालिफाइंग नंबर कितने चाहिए? 50% चाहिए आपको। जो टेस्ट है उसमें कम से कम 50% आपको नंबर लेने हैं। रिलैक्सेशन 5% का रहेगा SC के लिए, ST के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बेसिकली मेन क्राइटेरिया है कि आप लोग PhD करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तान में, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो कि UGC की तरफ से जारी हुए हैं। अब चलते हैं मेनली UGC की वेबसाइट पे कि आप कहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका ऑफिशियल लेटर किस प्रकार का UGC ने जारी किया है। किसी भी ब्राउज़र में या गूगल क्रोम ब्राउज़र में टाइप करें UGC न्यू गाइडलाइंस फॉर PhD 2022 करें। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के तुरंत बाद आपके पास स्क्रीन कुछ इस प्रकार की रहेगी। यहाँ पे जो स्क्रीन आए, यहाँ सबसे पहला ही आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ड्राफ्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक PDF आपकी डाउनलोड के लिए मांगेगा, उस PDF को आपको डाउनलोड